मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीरियल ससुराल सिमर का 2 की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सीरियल में इन दिनों जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि सिमर गजेंद्र और संध्या की वेडिंग एनिवर्सरी को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम तरीके से मना रही हैं। यहाँ तक कि गजेंद्र की सेहत में सुधार होने लगा है। सिमर ने गजेंद्र और संध्या की क्रिश्चियन वेडिंग एक बार फिर से करवाई है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते नजर आते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज होता है इस पार्टी में जया प्रदा की एंट्री होना। जया प्रदा को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ तक कि जया प्रदा सिमर के साथ मिलकर जमकर झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जया प्रदा की एक बात ने गीतांजलि देवी को कर दिया है शर्मिंदा। दरअसल जया प्रदा गीतांजलि देवी से जब मुलाकात करती हैं तो वो सिमर की जमकर तारीफें करती नजर आती हैं। जया गीतांजलि देवी को कहती है कि सिमर जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, आपको अगर बहू के रूप में सिमर मिली है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं गीतांजलि देवी जया के मुंह से सिमर की तारीफें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि गीतांजलि देवी को भी अंदर ही अंदर लगने लगा है कि सिमर ओसवाल परिवार के लिए बहुत सोचती है, बहुत चीज़ें अच्छी करती है और वो बदले में उसे वो प्यार नहीं दे पा रहे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में जया की इन बातों का असर गीतांजलि देवी पर पड़ेगा, क्या वाकई में गीतांजलि देवी और सिमर का रिश्ता बदलते वक्त के साथ मिठास वाला हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।